ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गौशाला किसी से अवगत कराया। जो गांव भोज के नाम पर गाय को भोजन दिया जा रहा है वह गाय के लिए नुकसानदायक है। गाय के लिए अच्छे भोजन और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। योगी जी की तरफ कहते हैं कि गाय की सेवा करें, गौशाला में विशेष तौर पर गायों का ध्यान रखें, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। गौशालाओं में कीचड़ फैल रहे हैं जिसकी वजह से गायों को बीमार होने की संभावनाएं अधिक है, जिसके कारण आज हम सभी ने ज्ञापन दिया है। ऑनलाइन भारत के लिए ललितपुर से पूछा कर किस बात को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो मंशा है कि जो आवारा गायें हैं उन्हें उचित संरक्षण मिले, उनका उचित रखाव हो, इसके लिए शासन द्वारा इस जनपद में इतनी जगह गौशालाएं बनाई गई हैं। लेकिन जो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है इन गौशालाओं को सुचारू रूप से चलाने की, वो उसकी ओर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका परिणाम ये है जिन गायों को 655 रुपये क्विंटल का गेहूँ का भूसा खिलाया जाना चाहिए था उन्हें 200 रुपए का उड़द चने और अलसी का भूसा खिलाया जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही घातक है। इसके अलावा पूरी गौशालाएं इस समय कीचड़ से भरी हुई हैं, जिससे गायों को बैठने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिल रहा है। यही नहीं, ये अधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि ये गायों की जो सही संख्या है उससे दुगनी संख्या बताकर उनके लिए मिलने वाले चारे पानी का जो पैसा है उसकी बंदरबांट कर रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज हम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि वे तत्काल इस संबंध में उचित कदम उठाते हुए इन गौशालाओं की दशा सुधारें और जो इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करें।